टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट डेवलपमेंट। इस वीडियो के माध्यम से विकास शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। विकास कहाँ से शुरू होता है, विकास किन किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, विकास के डोमेन क्या है, इन सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे और इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप इस इमेज के जो देख रहे हैं वह बिल्कुल सही है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को ही समझेंगे। एक बच्चे का विकास किस प्रकार होता है हम इस CDP में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इट मीन्स विकास। बच्चे में विकास की शुरुआत प्रीनेटल पीरियड से शुरू हो जाती है और टिल डेथ तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक यह चलता रहता है। इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक गर्भाधान से स्टार्ट होकर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती टिल डेथ तक यह चलती रहती है। डेवलपमेंट हमेशा हमें परिवर्तन को ही दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेंटिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट का 1 मंथ का कोचिंग करने जा रहे हैं। जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं, फर्स्ट डे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता या फिर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता, पर मंथ के लास्ट में आप अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आपसे बहुत कुछ बनने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। यदि परिवर्तन हुआ है इसका मतलब आप में विकास हुआ है। यदि आपने कुछ भी नहीं सीखा तो इसका मतलब ये है कि आप में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। विकास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होता है, गुणात्मक। एक बच्चा पहले बिस्तर पे रहता है, फिर वह बैठना शुरू, पलटना, फिर वह चलने लगता है। ये सारे गुणात्मक परिवर्तन हैं जो आप पिछले इमेज में देख चुके हैं। मात्रात्मक, जिसे मेजर किया जा सकता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, ये दोनों परिवर्तन आपको विकास में देखने को मिलता है। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, इसके 6 एरियाज होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट। हम पहला पॉइंट फिजिकल डेवलपमेंट को जानेंगे। शारीरिक विकास का आरंभ प्रीनेटल पीरियड गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। और मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास गर्भावस्था से प्रारंभ नहीं होती है किंतु मेमोरी की शुरुआत हो जाती है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत जन्म से ही होता है, जन्म के बाद। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए आपका बर्थ होना जरूरी है। जन्म के बाद ही एक बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है। वह जन्म एक परिवार में लेता है, परिवार ही समाज का हिस्सा है, तो सामाजिक विकास के लिए उसे समाज में आना होगा और समाज में रहना होगा। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास या चारित्रिक विकास, यह बर्थ के बाद होता है। किसी भी बच्चे का चारित्रिक विकास या नैतिक विकास, वह जिस परिवेश में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसके क्या नियम है, उसी के अनुसार उसके नैतिक विकास डेवलपमेंट होता है। नैतिक विकास जिस समाज के रूल और नियम के अनुसार वह कोई भी चीज को गलत और सही ठहराता है। इमोशनल डेवलपमेंट, जेबी वाटसन कहते हैं कि बच्चे के जन्म से ही फेयर, एंग्री और लव, ये 3 ऐसे इमोशनल हैं जो जन्म से डेवलप हो जाते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट किसका स्ट्रॉन्ग कहेंगे, यदि कोई बच्चा क्रोध उसे आ रहा है किंतु वहां क्रोध करना जरूरी नहीं है और वह इस इमोशनल को कंट्रोल करता है और वह नहीं करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को पहले खुद से लड़ना होता है। खुद से क्या, अपने इमोशनल से लड़ना होता है। जिस चीज की जरूरत नहीं है फिर भी हमारा मन करता है, उसे नहीं करता है कि यह करें, और वह जरूरी नहीं है, तो आप किस प्रकार अपने आप को कंट्रोल करते हैं, यही आपका इमोशनल डेवलपमेंट रिप्रेजेंट करता है। लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट, चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के पास LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वह बच्चा जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता रखता है, भाषा को अर्जित कर लेता है। यदि बच्चे का जन्म होता है तो वह अपने वातावरण से ही भाषा सीख लेता है, यह उसके पास खुद की यह एक क्षमता होती है। डोमेन विकास के आयाम, शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। शारीरिक विकास, यह जन्म
के पहले मतलब प्रीनेटल पीरियड में ही शुरू हो जाती है, परंतु संज्ञानात्मक सामाजिक असंवेगात्मक विकास जन्म के बाद होता है। मॉरल डेवलपमेंट इन पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आपका जो नैतिक विकास है वह सामाजिक विकास का ही पार्ट होता है।